चलिए तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और खबरें देखते हैं विस्तार से, जहां होशंगाबाद में जब एक महिला को अपने पति की दूसरी शादी का पता चला तो हंगामा हो गया, और ये हंगामा और कहीं नहीं बल्कि महिला थाने में हुआ। नौबत यहां तक आ गई कि पहली पत्नी ने पति के साथ मारपीट तक कर दी। पुलिस बीच बचाव करती रही लेकिन विवाद कम नहीं हुआ। दरअसल महिला का आरोप है कि पति ने बिना तलाक लिए आर्य समाज मंदिर से दूसरी शादी कर ली है। जब वो होशंगाबाद किसी शादी समारोह में आई तब उसे पति की दूसरी शादी की जानकारी लगी। तब उसने किसी तरह से पति और नवविवाहिता महिला को थाने बुलाया। अब महिला हाईकोर्ट जाने की बात कह रही है। जानकारी के मुताबिक पहली पत्नी अपने पति से करीब 7 साल से अलग रह रही है। पहली पत्नी के एक बच्चा भी है। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन कर मामला दर्ज करने की तैयारी में जुट गई है। देखो मैडम कर रही सर, ये देखो मैडम देखो ये हरकत है सर, देखो ये देखो आपके साथ में होती प्रकार का है। एक महिला है माधवी, है ना, नरसिंहपुर की रहने वाली है। उसने ये हमारे पास सूचना दी है कि उसका जो पति है चंद्रकांत उर्फ चंद्रमोहन निवासी इटारसी का, है ना, वो कोई महिला के साथ शादी कर रहा है। ये दोनों पति पत्नी 3 वर्ष से अलग रह रहे थे और इन लोग का एक 498 का प्रकरण नरसिंहपुर थाने में चल रहा है, है ना। महिला का ये कहना पड़ता है कि उसने उसके पति का जो तलाक हुआ था जीएमएफसी कोर्ट से उस पर स्टे ले आई है। तो हम लोगों ने दस्तावेज देखे तो स्टे है उस पर तलाक पर, है ना। हमने जो उसका पति है उससे बातचीत की तो उसने ये बताया कि हमें जो तलाक का जो स्टे है उसकी सूचना नहीं मिली है, है ना। ये जो प्रथम दृष्टया जो मामला बढ़ता है कि पहली पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह कर लेना 494 IPC के तहत आता है। इसके तहत कोर्ट में महिला डायरेक्ट परिवाद दायर करेगी, उसको अपने सारे सबूत उसको रखने पड़ेंगे कि उसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया है। हाँ, अभी एक्चुअली मेरे पास डॉक्यूमेंट आए हैं, उसके हिसाब से इन लोग का विवाह 14/7/21 को हो चुका है। आर्य समूह सर, आज मुझे, मैं इधर शादी में आई थी, मतलब 13 तारीख की शादी में, तो मुझे ऐसे ही किसी ने खबर दी थी कि आज तुम्हारे पति शादी कर रहे हैं, वो भी 15-16 तारीख की। तो फिर मैंने थोड़ा पुलिस की मदद लेनी चाही और आज मैं आई और पुलिस बकायदा मेरे साथ गई और उनको लेकर भी आई, लेकिन उन लोगों ने 14 तारीख में ही शादी कर ली थी। आर्य समाज का उन लोगों ने कार्ड दिया और फोटो भी बताई। सर आज जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन आज अभी मैं चुप रहने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मेरी अब मेरी बेटी का सवाल है, मेरी 4 साल की बेटी है, उसके भविष्य के लिए मैं अपने, हाँ उसको तो मैं क्या कहते हुए अभी भी मैं उसको कभी ना कभी हाईकोर्ट में उसे मारूंगी।